हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न। गाइस बताइए कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अच्छे से समझ में आया है ना? अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करें। और याद है मैंने आपको कुछ होमवर्क दिए थे, आई होप आपने उसे कंप्लीट किया होगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट नेगेटिव सेंटेंसेस ऑन सिंपल प्रेजेंट टेंस। लेट्स बिगिन। फर्स्ट टेंस है प्रेजेंट टेंस। इन दैट फर्स्ट टॉपिक है प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस और यू कैन से सिंपल प्रेजेंट टेंस। नाउ यर सेकेंड पार्ट इज नेगेटिव। इन द लास्ट वीडियो वी हैड सीन पॉजिटिव एंड टुडे वील सी नेगेटिव। बट गाइज यू जस्ट राइट नेगेटिव ऑन अ फ्रेश पेज, डोंट राइट दिस हेडिंग अगेन। ओके, नाउ फॉर्मूला ऑफ नेगेटिव। सब्जेक्ट प्लस डूडस प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ यू हैव टू चूज डू और डज अकॉर्डिंग द सब्जेक्ट एंड देन यू हैव टू ऐड नॉट इन डू और डज। और यू मे राइट डोंट और डजेंट इंस्टेड ऑफ दिस। ओके, यू मे राइट डायरेक्टली सब्जेक्ट प्लस डोंट डजेंट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए डू और डज हम किसके साथ यूज करते हैं, सो लेट्स सी हियर। विथ, आई, यू, वी, दे और एनी प्लोरल वी यूज डू। एंड विथ ही, शी, इट और नेम ऑफ एनी सिंगल पर्सन वी यूज डज। तो देखिए जब आई, यू, वी, दे हो या फिर कोई भी प्लोरल हो जैसे बर्ड्स, चिल्ड्रेन, ग्रुप के बारे में, किसी भी ज़्यादा लोगों के बारे में हम बात कर रहे हैं तो हम डू यूज़ करते हैं। और अगर किसी सिंगल पर्सन का नाम आ रहा है जैसे राम, सीता, मोहन, तो हम डज यूज़ करते हैं। तो चलिए इंडिकेशन देख लेते हैं, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य की पहचान कैसे करेंगे नेगेटिव में। तो यहाँ पर है इंडिकेशन ऑफ हिंदी सेंटेंसेस। नाउ नहीं, ता, ती, ते, हूँ, है, हैं। तो देखिए ये ऑप्शनल है, आप इनके साथ यूज़ कर भी सकते हैं या फिर अगर आपको नहीं करना है तो मत यूज़ करें। जैसे हम बहुत बार बोलते भी हैं मैं पत्र नहीं लिखता हूँ, या फिर आप कह सकते हैं मैं पत्र नहीं लिखता, तो भी राइट है। ओके, नाउ हियर एग्जाम्पल देख लें। मैं पत्र नहीं लिखता हूँ, तो देखिए आप इंडिकेशन देखें, नहीं, ता, हूँ, आ गया आपका इंडिकेशन। नाउ हियर आई, आई क्यों है, क्योंकि यहाँ पर मैं सब्जेक्ट, आई डोंट राइट अ लेटर। ओके, देखिए आई डोंट राइट अ लेटर यानी मैं पत्र नहीं लिखता हूँ। नाउ यर सेकेंड वन इज वह अपना काम समय पर पूरा नहीं करता है। इंडिकेशन देख लें, नहीं, ता, है। ओके, नाउ यर वह है इसलिए यहाँ पर ही, और ही आया है तो हम क्या यूज करेंगे, डज प्लस नॉट या फिर आप कह सकते हैं डजन। Doesn't complete his work in time. Okay, now see, he doesn't complete his work in time. यानी वह अपना काम समय पर पूरा नहीं करता। हम बहुत ही आसानी से सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस पर बना सकते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, और आगे हम इंटरोगेटिव, WH इंटरोगेटिव भी देखेंगे। तो गाइस प्लीज़ आप अच्छे से ध्यान से सीखें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें ताकि आप उनके साथ बैठ कर भी आप सीख सकते हैं या फिर कोई डाउट हो तो डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थर्ड, समर अच्छा अभिनय नहीं करता है। तो देखिए इंडिकेशन, नहीं, ता, है। नाउ इन इंग्लिश समर डजंट एक्ट वेल। पर गाइस यहाँ पर एक बात आप ध्यान दें, जब हमने पॉजिटिव सेंटेंसेस किए थे
एक्ट जो वर्ब आता था उसी में हम एस लगा देते थे ही शी इट के साथ या फिर कोई भी सिंगल पर्सन के साथ, पर नेगेटिव में हम वर्ब में एस और ई एस यूज नहीं करते हैं। यहाँ पर डू है, डू के साथ ही ई एस ऑलरेडी लगकर डज बन गया है और उसमें हमने नॉट लगाया है, तो डजंट एक्ट वेल। ओके, नाउ फोर्थ वन इज, गाइस प्लीज पे अटेंशन ओवर हियर, फोर्थ वन इज, मेरा चचेरा भाई अपनी गलती कभी भी स्वीकार नहीं करता है। इंडिकेशन इज नहीं ता है। ओके, अब यहाँ पर देखें, जब किसी भी वाक्य में आप कभी नहीं इस तरह से बोलते हैं, कभी भी नहीं, तब हम नेवर वर्ड यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर माई कजिन नेवर अडॉप्ट्स और यू कैन से एक्सेप्ट्स हिज मिस्टेक। जब आप नेवर यूज कर रहे हैं, बोल रहे हैं, उसका मीनिंग है कभी नहीं या कभी भी नहीं। नेवर के लिए तो यहाँ पर हम कभी भी डू या डज यूज नहीं करते हैं, डायरेक्ट मेन वर्ब आ जाता है और ये ही शी इट के साथ है, मीन्स ही के साथ है, तो इसलिए यहाँ पर एस लगा है। ओके, अडॉप्ट्स या फिर एक्सेप्ट्स। ओके, वंस मोर, माय कजन नेवर अडॉप्ट्स एक्सेप्ट्स हिज मिस्टेक। नाउ फिफ्थ, आजकल बच्चे बड़ों की बातों से सहमत नहीं होते हैं। तो फर्स्ट लेट्स सी इंडिकेशन ऑफ हिंदी सेंटेंसेस। Now here, now a days, children do not agree with the elders. यहाँ पर देखिए now a days means आजकल बच्चे बड़ों की बातों से सहमत नहीं होते, तो don't agree with the elders. या फिर अगर आप इस तरह से कह रहे हैं आजकल के बच्चे, तो यहाँ पर आएगा today's children, बाकी सेम हो जाएगा, do not agree with the elders. Okay, now sixth, वे अपने बच्चों को यहाँ वहाँ कहीं भी जाने की अनुमति नहीं देते हैं। तो यहाँ पर देखिए दे डोंट अलाउ देयर चिल्ड्रेन टू गो एनीवेयर। ओके, फिर से देख लें, दे डोंट अलाउ देयर चिल्ड्रेन टू गो एनीवेयर। तो गाइस आपने देखा होगा कि इसमें जो भी वर्ब्स आए हैं ये हमने जो वर्ब्स के लेसन लिए थे उसी में के हैं, तो आप भी प्लीज उस पर ही सेंटेंसेस बनाएं, क्योंकि ये देखिए हम जो रोज बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, घर पर हम बात करते हैं, ये उन्हीं में से सेंटेंसेस हैं, तो आप भी वैसे ही सेंटेंस बनाएं जो आप कंफर्टेबल हैं आप बना सकते हैं। ओके, सेवेंथ, कम से कम वह नशे में तो नहीं दिखाई देता। लेट्स फाइंड आउट इंडिकेशन, नहीं था। ओके, नाउ इन इंग्लिश, At least he doesn't appear to be drunk. तो यहाँ पर देखिए drunk लिया है, third form of the verb है, means drink, drank, drunk. Already वो नशे में है तो इसलिए यहाँ पर लिया है हमने drunk. Okay? Main verb हमारा appear है, appear is the main verb यहाँ पर. At least he doesn't appear, यानी दिखाई के लिए हमने यहाँ पर appear verb लिया है. Okay? Now eighth, वह लड़का खुश दिखाई नहीं देता है। सो यर नहीं ता है। नाउ यर, द टीन डजंट अपीयर हैप्पी। तो देखिए कोई टीनेजर होता है उसके लिए मैंने यहाँ पर टीन लिख दिया है, द टीन डजंट अपीयर हैप्पी। नाउ नेक्स्ट, यह ट्रेन लुधियाना कभी भी समय पर नहीं पहुंचती। फिर से यहाँ पर कभी भी नहीं आया है, ये इंडिकेशन भी ले लेते हैं। ओके, नाउ हियर लेट्स सी, दिस ट्रेन नेवर अराइव्स लुधियाना ऑन टाइम। फिर से यहाँ पर देखिए नेवर आया है और एस लगा है, क्योंकि हम ट्रेन के बारे में बात कर रहे हैं, ट्रेन क्या हो गया इट, तो यहाँ पर दिस ट्रेन नेवर अराइव्स लुधियाना ऑन टाइम। ओके गाइस, नाउ टेंथ है, सच्चाई यह है कि भेड़िए सबसे शक्तिशाली जानवर पर हमला नहीं करते। फर्स्ट फाइंड आउट इंडिकेशन, नहीं थे। ओके, नाउ द फैक्ट इज
सच्चाई यह है कि, उसके लिए हम लेते हैं द फैक्ट इज, या फिर आप कह रहे हैं तथ्य यह है कि, फिर भी आप द फैक्ट इज ही कहेंगे. ओके, द फैक्ट इज वोल्व्स डोंट अटैक द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल. यहाँ पर देखें भेड़िए, ये क्या हो गया, प्लोरल है, एक से ज्यादा है, भेड़िया यानी एक, भेड़िए एक से ज्यादा है, तो यहाँ पर इसीलिए वुल्फ्स लिया है. वुल्फ एक सिंगल होता है, वुल्फ्स एक से ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर डोंट आया है. ओके, सी वुल्फ्स डोंट अटैक द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल. तो गाइस देखा आपने कि हमने कितनी आसानी से सेंटेंसेस बना लिए. आपको भी इसी तरह से नेक्स्ट टेन वर्ब्स लेकर नेगेटिव में सेंटेंसेस बनाने हैं. अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी आए तो प्लीज़ उस सेंटेंस को कमेंट कर दें, मैं आपको उसका आंसर भेज दूंगी. गाइस एक बात आप ध्यान दें कि जिस तरह से मैं आपको वर्ब टेंस समझा रही हूँ, आपको कोई भी नहीं समझाएगा, ये बात आप ध्यान रखें, क्योंकि आप खुद भी इसे महसूस करेंगे. हमारा टेक्निक और हमारा प्रैक्टिस बहुत ही पावरफुल है. आप इससे इंग्लिश बोलना बहुत ही अच्छी तरह से और सिस्टमैटिक वे में सीखेंगे. गाइस अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपसे कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो मिस ना हो जाए. और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और आप खुद भी अच्छे से सीखें. तो गाइस चलिए अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे. टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ.